हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर्ष तनवर। और आज मैं कुछ शेयर करने वाला हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 2019 एस पेन के साथ हुआ लॉन्च। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि मेरी आने वाली वीडियो जल्दी आप तक पहुँचे। तो गाइस, सैमसंग ने चुपके से अपने सैमसंग गैलेक्सी टैब के ए 2019 को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 की तरह ही एस पेन भी दिया गया है। सैमसंग ने पिछले साल सैमसंग गैलेक्सी टैब ए को लॉन्च किया था। सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 2019 या सैमसंग गैलेक्सी टैब ए प्लस को फिलहाल कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, यूके में लॉन्च किया गया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 2019 को थाईलैंड के आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया है। इसे दुनिया के अन्य देशों में कब लॉन्च किया जाएगा इसके बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 2019 को अफोर्डेबल प्राइस रेंज में लॉन्च किया गया है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 8 इंच का डिस्प्ले दिया गया है जिसका रेजोल्यूशन 19। इसके फीचर की बात करें तो इसमें 8 इंच का डिस्प्ले दिया गया है जिसका रेजोल्यूशन 1920x 1200 पिक्सल है। टैब 4G लाइट नेटवर्क सपोर्ट करता है। टैब जो सैमसंग गैलेक्सी M20 स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया गया है, टैब 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है। इसकी इंटरनल मेमोरी की माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ा सकते हैं। इसके बैक में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इस्तेमाल 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। अब एंड्रॉइड नो पाई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसके बैटरी की बात करें तो इसमें 4200 mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी के दावे के मुताबिक यह 11 घंटे का इंटरनेट ब्राउजिंग टाइप देता है। सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 2019 का पलड़ा भारी है। सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 2019 को अब USD 400 लगभग 28,000 की कीमत में खरीद सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू और शेयर करें।